देर इज़ नो 100% श्योरिटी ऑफ वीज़ा। जे तो वीज़ा असी लगाना होने हाथ नाल फिर तो असं कही 100% श्योरिटी है। वीज़ा ऑफिसर ने वीज़ा देना, वीज़ा लग जाता तो तुसी पैसे दे देने, नहीं लग जाता तो तुहाडे कोल एक रिफ्यूजल लैटर मिल जाती है। जिन्हां ने पैकेज अप्लाई किया और इन्नी बुरी तरह ना उन्हां दी फाइल खराब हो जाती है, तुसी दोबारा रीअप्लाई करने बारे बंदा सोचता है कि करना चाहिए कि नहीं। सत श्री अकाल जी, अज असीं गल करांगे पैकेज सिस्टम जिहड़ा बाहर जाण दे विच बड़ा अजकल फेमस हो रहा हैगा, उहदे बारे ते स्टैप बाय स्टैप की डिफरेंस है, की क्यों तुहानूं पैकेज सिस्टम लैणा चाहीदा या क्यों तुहानूं स्टैप बाय स्टैप लैणा चाहीदा हैगा। देखो, पैकेज दे विच तुहानूं इह नहीं पता लगदा कि तुहाडी फाइल नाल की हो रहा, तुहाडा कंट्रोल नहीं, कंसल्टेंट दा कंट्रोल हुंदा है। फंड्स किहड़े शो हो रहे हैं, ओरिजिनल हो रहे हैं, जाली हो रहे हैं, शो मनी हो रही है, जाली सर्टिफिकेट्स लग रहे हैं, की कुछ हो रहा, यू डोंट नो अबाउट इट। वीज़ा लग जाता तो तुसी पैसे दे देने, नहीं लग जाता तो तुहाडे कोल एक रिफ्यूजल लैटर मिल जाती है, जिदे नाल जिदे विच तुहानू इह भी नहीं पता हुंदा कि तुहाडे किहड़े किहड़े रिफ्यूजल्स लगे। और फिर उस तो बाद वो जिहड़े कंसल्टेंट्स हुंदे ने तुहानू ना वो फॉर्म 1-2-9-4 दिंदे है जिदे विच एप्लीकेशन फॉर्म है, ना तुहानू SOP दिंदे है, ना SOP पढ़न वास्ते दिंदे है। देखो, मैं तो ये कहांगा कि अजकल आपां पैकेज सिस्टम किवें यह चालू होया, फस्ट ऑफ ऑल किसी एजुकेशनिस्ट ने नहीं शुरू किया। हुण तुसी किसी यूनिवर्सिटी जाओ, उत्थे जाके तुसी कहो जी मैं BCOM करनी है तो मेरे ना पैकेज कर लो, आफ्टर BCOM मैं तुहानूं पैसे देवांगा, कि वह करनगे? बिल्कुल नहीं करनगे। बिकॉज एजुकेशनिस्ट जिहड़ी एजुकेशनिस्ट जिहड़ा बंदा हुंदा, वह कभी भी पैकेज नूं प्रैफर नहीं करेगा। एजुकेशन इंडस्ट्री च कोई पैकेज नहीं हुंदा। तुसी 12वीं कीती हैगी है कि तुसी पैकेज नाल पास होए हो? नहीं। जां ग्रेजुएशन कीती है कि तुसी पैकेज नाल पास होए हो? बिल्कुल नहीं। सो ध्यान दे के सोचो कि कैनेडा जाने वास्ते तुहानू किदां दा पैकेज इदां मिल सकता है। सो पैकेज की हुंदा है, अनकलैरिटी हुंदी है, 2-3 लाख तुहानू वध देना पैंदा है, नॉन SDS तुहाडी फाइल लगती है, तुहाडे जिहड़े कंसल्टेंट है पहलां तां प्राइवेट कॉलेज अप्लाई करनगे जिहदे विच फीस नहीं जाती, सिर्फ रसीदां मिल जांदियां। सैकेंड, GIC नहीं जाता जां तुहाडे तों GIC भरवाया जाता है। थर्ड, उहदे विच अनक्लीयर डॉक्यूमेंट्स लगते गैप जस्टिफिकेशन के वास्ते। सो जिहड़ा पैकेज सिस्टम का रिफ्यूजल रेट है बहुत हाई है। रोज़मर्रा तो मैं देख रहा 2-3 केसिस मेरे को आ रहे हैं जिन्ह ने पैकेज अप्लाई किया और इन्नी बुरी तरह ना उन्होंने फाइल खराब हो जाती है, तुसी दोबारा रीअप्लाई करने बारे बंदा सोचता कि करना चाहिए कि नहीं। बहुत वड्डियां वड्डियां कंपनीज़ ने, मैं हैरान है इस चीज़ तो। देखो, मैं अगेंस्ट नहीं है किसी भी कंपनी के या किसी रिप्रेजेंटेटिव दे कि तुसीं बच्चों के भविख नूं अगे नहीं रख रहे। जिहड़ा पैकेज सिस्टम है अपने फायदे करके वो कंपनीज़ और उत्थे बच्चे बैठे है, बच्चे ही बच्चों का वीज़ा अप्लाई करी जा रहे हैं। जिहड़ी कंसल्टेंट्स हुंदियां बेटियां रखियां, उन्होंने पूरी नॉलेज नहीं हुंदी, वो चक चक वीज़ा तुहाडा अप्लाई करी जा रहे हैं। जिहड़ा वीज़ा ऑफिसर आप किते बैठा है, मूहरे रिप्रेजेंटेटिवस ने, वो तुहानूं कॉल कर करके तुहानूं ऑफिस बुला ही लैंदे ने, दिन रात तुहानूं कॉल जांदी जांदियां और तुहानूं कहा जांदा है कि जी तुहाडा तां वीज़ा 100% है। 100% ते मैं जरूर कमेंट करांगा, देर इज़ नो 100% श्योरिटी ऑफ वीज़ा। जे तो वीज़ा असी लगाना होवे अपने हाथ नाल, फिर तो असी कहीए कि 100% श्योरिटी है। वीज़ा ऑफिसर ने वीज़ा देना है, वी कैन प्रजेंट यूअर फाइल इन अ बैटर वे। असी तुहाडी फाइल नूं एक अच्छे तरीके नाल प्रजेंट कर सकते हैं, वो चीज़ा जिहड़ियां ते रिफ्यूजल्स आंदा सी वो चीज़ों नूं मिटीगेट कर सकते हैं, उन्हां चीज़ों नूं फिल कर सकते हैं। बट अगर ये कहना कि 100% वीज़ा रेशो है कैनेडा दे विच या आस्ट्रेलिया या UK दे विच, वो एक गलत स्टेटमेंट है। साढ़े कहन नाल 100% नहीं बन जाना, तुहाडे डॉक्यूमेंट्स ते वीज़ा आना है। स्टैप बाय स्टैप की अगर गल करिए, उहदे च फुली कलैरिटी हुंदी है, तुसी किन्नी फीस दे रहे हो। हुण पैकेज दे विच कई मेरे कोल इदां दे केसिस आए है जिन्हां ने जलंधरों, लुधियाना, मोहाली, चंडीगढ़ों अप्लाई किया, एक साल की फीस भरी सी, उत्थे जाके पता लगता है जी 3 महीनों की फीस निकली। हुण उत्थे जदों बच्चा चला जाता है फिर पिछे घरदियां नूं फोन आ जाते हैं जी जे तुसीं नहीं भरोंगे पैसे तुहाडा वीज़ा असीं कैंसल करवा देंगे। इदां दीआं चीज़ां इस इंडस्ट्री दे विच हो रही हैं। अगेन मैं कहना कि मैं किसी भी कंसल्टेंट दे अगेंस्ट नहीं हाँ, पर ये रोंग प्रैक्टिसेस ने। स्टैप बाय स्टैप च ये फायदा है कि तुहानूं पता है कि किन्नी फीस जा रही, तुहाडे अकाउंट चों जा रही है, किन्ना तुसीं एम्बैसी नूं पे कीता, की तुसीं कंसल्टेंट नूं पे कीता। हुण फ्री दे चक्करां दे विच कई बार बच्चे फस जांदे इहो जिहियां कंपनीज़ दे नाल
कि जी वीज़ा प्रोसैसिंग फ्री हो रही है। देखो देर इज़ नो फ्री लंच एनीवेयर। फ्री दे विच जे तुहानू मैं कहां कि 4 महीने साडे ऑफिस आके तुसीं काम कर लो फ्री, की तुसीं करोगे? क्वेश्चन मार्क। तुसीं कदी नहीं करोगे। तुसीं कहोगे जी मैं 4 महीने तुहाडा फ्री क्यों काम करा। सो इदां ही देर इज़ नो फ्री लंच एनीवेयर। मैं खुद कैनेडा मास्टर्स की है और कैनेडा तो कंसल्टेशन दे भी पैसे लगते, इतने तो तुम आके सानू मिल लैंदे हो, देर इज़ नो कंसल्टेशन चार्जिज। बाहरले मुल्क कंसल्टेंसीज के भी चार्जिज ने, एक एक मिनट का भी पैसा लगता है। सो इंडिया दे विच भी एज सच देर इज़ नो फ्री। अगर असी फ्री दे लालच नू किसी कंपनी तो अप्लाई करते हैं अपनी फाइल, अल्टीमेटली SOP तुहानू लिखनी पैंदी है, सिंसैरिटी लैवल नहीं रहिंदा। जिन्हें पैसे लिते हुंदे है वो सिंसैरिटी लैवल क्रिएट हो जाता, तुहाडा भी और उस कंपनी का भी, तो फिर कंपनी जिम्मेवारी नाल काम करती है और फ्री दे विच वो चीज़ा नहीं क्रिएट होंदिया। सो मैं सारे स्टूडेंट्स और उन्हां पेरेंट्स नू अपील करांगा कि पैकेज सिस्टम तो बचो और जेड़ा तुहाडा स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है उसनू ऑप्ट करो, पूरी खोज करो अपने लैवल ते। देखो बहुत सारे मैं देखता कई लोग हाईली क्वालिफाइड होंगे है, पैकेज के नाम नाल फस जाते हैं, धोखा खा लेंगे है। तुसी पढ़े लिखे हो, तुहाडा भी दिमाग काम करता है, तुसी रिसर्च करो, 1, 2, 5, 10 कंसल्टेंसीज को ले जाओ, फिर डिसीजन लो, कंपेयर करो किहड़ा तुहानू सही राय दे रहा, किहड़ा तुहानू लग रहा कि पैकेज प्रमोट कर रहा है। सो अगेन एट लास्ट मैं कहूँगा कि अगर किसी ने अपनी इवैल्यूएशन करवानी है, वेन योर इंग्लिश दे ऑफिस ते अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, साड़ी वीज़ा टीम नू मिलो एंड गैट द राइट गाइडेंस। थैंक यू।